देखें, एक क्वांटम थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें यह कहा जाता है कि एक पार्टिकल पार्टिकल की तरह तो बिहेव करता ही है, साथ साथ वो एक वेव की तरह भी बिहेव करने लगता है। ये थ्योरी जो मॉडर्न थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी से बोलते हैं। तो एक पार्टिकल अपने मैटर वाले बिहेवियर पे, मैटर मतलब स्थूलता जिसे बोलते हैं, इनर्शिया, इनर्शिया वाला बिहेवियर रखता है और उसका वेव नेचर भी होता है। अच्छा, अब ये जो दो बिहेवियर हैं इसके, इसको प्रैक्टिकली साबित कैसे किया गया? प्रैक्टिकली देखा गया कि फोटॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब लाइट वेव है ना, रेडिएशंस जो होते हैं या लाइट वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, वेव तो है ही, लेकिन साथ साथ ये पार्टिकल फॉर्म में भी रहती है और पार्टिकल फॉर्म में फोटॉन्स के नाम से जाना जाता है, वो एनर्जी पैकेट्स होते हैं। तो फोटॉन्स का बिहेवियर पार्टिकल जैसा है और वहीं पे फोटॉन का बिहेवियर वेव जैसा भी है। कैसे साबित हुआ? वेव बिहेवियर तो आप देखते ही हो कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हम स्लिट्स के थ्रू पास करवाएं, तो आपने यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, इंटरफेरेंस पढ़ा था, तो इंटरफेरेंस फिनोमिना होता है, डिफ्रेक्शन फिनोमिना होता है उस पर। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन फिनोमिना कब होगा? जब उसका वेव नेचर हो। और वहीं पे इसका पार्टिकल नेचर भी होता है। खास तौर से आपने थ्योरी देखी होगी, पढ़ा होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहा जाता है कि फोटॉन जब एब्जॉर्ब करता है वो सरफेस जो है, एक मेटालिक सरफेस, तो जब वो एब्जॉर्ब करता है तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं और उस एनर्जी से वो फिर बाहर इमिट कर जाते हैं, है ना। तो उसमें कहा जाता है कि वो पूरा पैकेट के फॉर्म में एनर्जी लेते हैं। तो अगर वो पैकेट है, एनर्जी पैकेट है, और ये भी देखें वो जो फोटॉन्स होते हैं उनका फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो पैकेट फॉर्म में उन्होंने एनर्जी ली है ना, और उस एनर्जी से वो इजेक्ट हो गए। यही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी रह गया ये, है ना। तो उसमें ये पार्टिकल बिहेवियर हो गया। और पार्टिकल बिहेवियर ऐसा ही नहीं है, फोटॉन्स का पार्टिकल बिहेवियर ऐसा भी होता है कि वो पार्टिकल जब किसी सरफेस से टकराते हैं, मतलब रेडियंस जब किसी सरफेस पे टकराते हैं या लाइट किसी सरफेस से टकराती है, तो फोर्स क्रिएट करती है, प्रेशर क्रिएट करती है, ये भी होता है। तो फोर्स या प्रेशर कौन क्रिएट करेगा? पार्टिकल ही तो करेंगे। पार्टिकल में मोमेंटम होगा, वो जाके टकराएंगे, मोमेंटम चेंज होगा, वहां से फोर्स डिफाइंड होगा। तो ये पार्टिकल बिहेवियर है। तो फोटॉन्स के पास दोनों बिहेवियर है, ये प्रूव्ड है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास भी दोनों बिहेवियर होता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही, लेकिन साथ साथ उसका वेव नेचर भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम अगर क्रिएट किया जाए तो उसमें इंटरफेरेंस फिनोमेना देखा जाता है, डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस देखा जाता है इलेक्ट्रॉन बीम में भी। अब यह अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें इनर्शिया ज्यादा है, फोटॉन में इनर्शिया बहुत कम है। तो जिसमें इनर्शिया बहुत कम होगा वो ज्यादातर वेव फॉर्म में दिखेगा, और जिसमें इनर्शिया ज्यादा होगा वो ज्यादातर पार्टिकल फॉर्म में दिखेगा। तो अगर फोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करें तो दोनों ही वेव और पार्टिकल फॉर्म में रहते हैं, लेकिन कौन ज्यादा दिखेगा किस फॉर्म में, ये इसका इस पर डिपेंड करता है कि उसमें मैटर वाली प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा है। मैटर मतलब इनर्शिया, तो जिसका मास ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा, वो ज्यादातर जो है पार्टिकल फॉर्म में दिखेगा, और जिसका इनर्शिया कम होता जाएगा वो वेव फॉर्म में दिखता है, लेकिन दोनों रखते हैं। अब एक बॉडी अगर बड़ी बॉडी भी बोली जाए तो उसका भी वेव फॉर्म होता है, सभी बॉडी का वेव फॉर्म है, लेकिन यह है कि वो एप्रिसिएबल नहीं हो पाता है। एप्रिसिएबल का मतलब दिख नहीं पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें स्थूलता या एनर्जिया है, इसे बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम जो इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली मैटर वेव में यही डिस्कस करने वाले हैं कि मैटर वेव के फॉर्म में और वेव मैटर के फॉर्म में अगर हो तो हम कैसे इसको कोरिलेट कर पाए। कहने का मतलब है कि जैसे आमतौर पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल फॉर्म में होता है, मैटर फॉर्म में, अगर वो वेव नेचर ले तो उसका वेवलेंथ कैसे निकालें, और वहीं पे फोटॉन आमतौर पे वेव नेचर में होता है, तो अगर वो वेव नेचर है और पार्टिकल फॉर्म ले तो उसका मोमेंटम कैसे निकालें। तो पार्टिकल फॉर्म में जो रह रहा है उसका तो मोमेंटम हमें मालूम होता है, तो उससे हम वेव नेचर मतलब उसका वेवलेंथ कैसे निकाल पाए, और जो वेव के फॉर्म में हमेशा रहता है आमतौर पर वेव फॉर्म पे रहता है उसका हम मोमेंटम कैसे निकाल पाए। तो ये कैसे रिलेट करें उसको आप देखें। इसमें जो वर्क किया था, कई साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया था इस पे, धीरे धीरे थ्योरी डेवलप हुई, तो उनको लेते हुए चलते हैं, देखते हैं क्या है ये इसमें। देख, शुरुआत होती है फोटॉन के मोमेंटम को फाइंड करने की। मतलब फोटॉन जो है वेव फॉर्म में होता है तो उसका वेवलेंथ आमतौर पर मालूम होता है ना, तो उसका हम मोमेंटम कैसे फाइंड कर ले देखें।
अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खूब अच्छी तरह से जानते हैं इसमें, कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये थ्योरी ये कहती है कि किसी मास को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में ही कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, तो उसमें ये एनर्जी क्रिएट होगी। मतलब ये है कि मास और एनर्जी का संबंध होता है आपस में, क्योंकि ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मास और एनर्जी का संबंध होता है। और ये भी ध्यान दे, एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वेव फॉर्म में ही तो होती है। एनर्जी जो भी होगी वो वेव फॉर्म में आ जाएगी, यहाँ पे जो रेडिएट हो जाएगी एनर्जी, मास से एनर्जी जो क्रिएट हुई वो रेडिएट हुई, तो एनर्जी जो है वेव फॉर्म में हुई। तो ये पार्टिकल फॉर्म है, मैटर फॉर्म, और ये एनर्जी फॉर्म, ठीक। तो इसके जरिए हम कैसे फोटोन का मोमेंटम फाइंड कर सकते हो, ध्यान दे, इसमें ऐसे चलेंगे। अब ये ई इज द एनर्जी ऑफ फोटोन और एम है रिलेटिविस्टिक मास ऑफ फोटोन। अब देखें, ये रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या हुआ, इसमें ये मतलब हुआ है कि जैसे फोटॉन जो है वैसे आमतौर पे वेव फॉर्म में होता है, लेकिन उसका मास, अगर आपको अगर पार्टिकल फॉर्म में मास निकालना है, तो जो वेव फॉर्म में रह रहा है उसका मास आप निकाल लो, तो आमतौर पे वो मास मेजरेबल तो है नहीं, डायरेक्ट थोड़ी मेजर कर सकते हैं आप उसे, कोई ऐसा मास है कि उसे वे कर लें आप, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे मास को फाइंड किया जाता है इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से जिस मास को फाइंड करेंगे उसे रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेलेंट है ये मास के, इक्वेलेंट ये वैल्यू जो निकाल लें, ठीक है। अगर मान लें वो पार्टिकल बिहेव कर रहा है तो मास कैसे कैलकुलेट कर सकते, यहीं से बात आ रही है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखें, एम इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एनर्जी मालूम होगी, फोटॉन की मालूम होती है, वो याद होगा एच न्यू, है ना, तो वो एनर्जी मालूम होती है, लाइट की स्पीड है, इससे रख के हम मास फाइंड कर सकते हैं, ओके। एज अ फोटॉन मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन, अब बात वही आ रही है, मोमेंटम फाइंड करना है, तो मोमेंटम क्या होगा, P इज इक्वल टू एम इन टू सी, लाइट की स्पीड या फोटॉन की स्पीड, तो लाइट वाली होती है 3 × 10⁸, ठीक। तो यहाँ पे रखे, अब यहाँ से ये जो मास है इसको वहां से सब्स्टिट्यूशन अभी दिया जाएगा, तो ये देखें हुआ क्या, एम ये रखा तो ई अपॉन सी स्क्वायर, सी कैंसिल हुआ तो मोमेंटम आ गया ई अपॉन सी, देखा, तो ये मास मोमेंटम, ठीक है। तो एनर्जी को आप सी से डिवाइड कर दोगे तो मोमेंटम आने लगेगा। अब ये इक्वेशन जो आई, सेकंड इक्वेशन, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ये कहा जाता है कि ई जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो एच न्यू के बराबर होती है ना, तो इस एच न्यू को यहाँ पे रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन, ये एच जो है प्लैंक कांस्टेंट आप जानते हो, म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन है ना, वेल नोन। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हम ये कह सकते हैं, देखें कि P इज इक्वल टू E अपॉन C, तो E इज H न्यू अपॉन C। अच्छा, ये इक्वेशन आई, अब यहीं से ये बात शुरू हो गई, देखें कैसे फ्रीक्वेंसी को मोमेंटम से रिलेट किया जा रहा है, और एक स्टेप और आगे बढ़े हैं, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड इज 1/λ, है ना, V इज इक्वल टू F लेमडा पढ़ा है ना, उसी फॉर्मूले से है। तो ये देखें, बेसिकली C अपॉन V जो है लेमडा होता है। तो ये जो इक्वेशन बन के आ रही है ना, ये इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है मैटर वेव में, इसके जरिए हम किसी वेव का मैटर फॉर्म और मैटर का वेव फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर वही बात है कि अगर वो वेव फॉर्म में होगा तो उसका वेवलेंथ डिजाइन मतलब डिफाइंड होगा, और अगर वो मैटर फॉर्म में होगा तो उसका मोमेंटम डिफाइंड होगा। तो अगर वो वेव फॉर्म में है तो आप मोमेंटम निकाल लो इससे, और मोमेंटम है तो उसका वेव भी निकाल सकते। बहरहाल, इस समय क्या फाइंड किया जा रहा है, इस समय फोटॉन का मोमेंटम, वो वेव फॉर्म में है, वेवलेंथ मालूम होती है, आप मोमेंटम निकाल सकते हो। तो इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, ये जरूर याद रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे याद रखें, कन्वर्ट कर लीजिएगा जरूरत पड़े, जैसे फ्रीक्वेंसी निकालना है तो लेमडा का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, जरूरत सबकी पड़ती है, अकॉर्डिंगली जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हैज अ मोमेंटम एसोसिएटेड विद इट, इफ सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट द मोमेंटम इज, ठीक है। तो क्लियर है, यहां से सीधा एक्सप्रेशन ही पूछ रहे हैं, एटीबी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हो गया ये एच न्यू अपॉन सी, वही एच अपॉन लैम्डा है, उसी हिसाब बना लीजिएगा अगर याद हो तो, नहीं तो अगर डायरेक्ट याद है तो कोई दिक्कत नहीं। वेव नेचर ऑफ मैटर, अब उल्टा प्रोसेस, वो क्या था, वो वेव का मैटर में कन्वर्जन था, अब मैटर का वेव में। अब देखें वेव नेचर ऑफ मैटर, तो वो कैसे होगा, तो द डी ब्रोगली वेव्स और मैटर वेव्स, डी ब्रोगली ने इससे काम किया, इसमें से जो मैटर से जो वेव बनती है
उसका जो एक्सप्रेशन है वो कहलाता है ये डी ब्रोगली वेव्स फॉर्म, या कहते हैं मैटर वेव्स, उसी को बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं के नाम पे है। तो कैसे होगा ये? तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि इफ अ लाइट वेव कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल ऑन सम ओकेजंस, है ना, ये भी देखा हम लोगों ने। तो अगर लाइट वेव यानी कि फोटॉन्स जो हैं वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकते हैं तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है। तो इट इज रीजनेबल टू सपोज दैट द पार्टिकल मे बिहेव लाइक अ वेव, ये डी ब्रोगली ने ये बोला, ठीक है, उनका स्टेटमेंट था ये, ठीक है। तो उसमें यही दिखाया गया है कि ये पार्टिकल फॉर्म है, तो पार्टिकल खूब तेजी से भाग रहा है ऐसे, तो पार्टिकल जो है जब बहुत तेज भागने लगता है तो वो वेव फॉर्म लेने लगता है, थ्योरी की जाती है, ठीक है। जब स्पीड बढ़ने लगती है ना किसी मैटर की तो वेव फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, ये आइंस्टाइन की थ्योरी है ये। तो उन्होंने ये कहा कि जब स्पीड जो है लाइट की स्पीड के बराबर, अगर किसी भी मैटर को आप लाइट की स्पीड दे दो तो पूरा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे उसका वेव फॉर्म जनरेट होने लगता है। तो वही दिखाया जा रहा है, ये पार्टिकल का पोजीशंस दिखाई जा रही हैं और उसी के समय साथ साथ उसकी वेव फॉर्म भी शो की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफ्रेक्टेड जस्ट लाइक अ बीम ऑफ लाइट। ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन की अगर बीम या क्रिएट कर दें तो उसमें बिल्कुल वैसा ही फिनोमिना होगा जैसे वेव में होता है। इसी से तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाए जाते हैं, सुना होगा नाम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन बहुत बेहतर होता है। बहुत ही फाइन टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर, तो उनको अगर देखना है बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन करना है और अच्छा रिजोल्यूशन, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो उसका वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो वही बात कही जा रही है कि इलेक्ट्रॉन में ऐसा संभव है, देखा जा चुका है। To find wavelength of a wave associated with a moving particle, डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन देखें, इसमें अब वेव इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। तो टू फाइंड वेव लेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल, अब वो पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या कोई भी पार्टिकल हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, प्रैक्टिकली देखा गया है, ठीक, लेकिन किसी पार्टिकल के लिए बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन आर एनी अदर पार्टिकल, देखें लिखा हुआ है, ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी, इट्स मोमेंटम इज गिवन बाई P is equal to m into v। अब इसका अगर वेवलेंथ आपको फाइंड करना है, ये v वेलोसिटी चल रहा है तो मोमेंटम ये हो गया, तो इसी में आप सब्स्टिट्यूशन दे दो। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन देंगे तो लैम्डा इज व्हाट, h अपॉन p। तो h इज इक्वल टू p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा देख लिया हम लोगों ने, तो लैम्डा इज h अपॉन p। अब p आप यहां से रख दो, यहां से पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये मिलता है। तो आप जो है पार्टिकल का वेव फॉर्म अगर निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हो। हालांकि मैं ये कहूंगा कि कोई स्पेशल बात नहीं है, ये आपने याद कर लिया, यही दोनों में चलना है। जब आप वेव से पार्टिकल का फाइंड करना चाहते हैं मोमेंटम, तो आप ऐसे इस्तेमाल करें, और इसी में अगर पार्टिकल का वेलोसिटी मालूम है और वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्म में आप इस्तेमाल कर लो। इक्वेशन तो वही है, वही लिखा गया, तो इसी को डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो वेव एसोसिएटेड विद मेटीरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड डी ब्रोगली वेव्स आर मैटर वेव्स, इन्हीं को मैटर वेव्स बोलते हैं, मैटर से क्रिएटेड वेव्स, मैटर वेव्स, ठीक है। टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसमें यह है कि टू फाइंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाई अ पोटेंशियल डिफरेंस वी विद द हेल्प ऑफ अ इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन का अगर वेव नेचर आपको देखना है, अगर वो रुका हुआ है तब तो पार्टिकल नेचर में होगा, और जैसे स्पीड आप उसकी बढ़ाओगे उसका वेव नेचर ऑब्जर्व होने लगेगा। तो स्पीड चाहिए उसमें, है ना। तो स्पीड कैसे दी जाएगी एक पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को, गन से, हम लोग ने चार्ज गन पढ़ा था, है ना। तो वही है इलेक्ट्रॉन गन के जरिए। इलेक्ट्रॉन गन क्या होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट किया गया होगा, दो प्लेट लेके उसके क्रॉस जो है सोर्स लगा के उसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके उसमें इस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर दिया गया होगा, वहां से स्पीड मिली होगी, हम लोग पढ़ चुके हैं ये, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन गन के जरिए स्पीड दी गई और उससे बीम क्रिएट हुई, ठीक। तो उसमें है क्या देखें, तो अब रिलेट करना उसमें, ये असल में हम लोग को फाइंड करना है कि जब हम उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो उससे जो बीम क्रिएट हो रही है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ये कैसे फाइंड किया जाए। तो आप देखो कैसे, तो जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, पोटेंशियल से। तो याद है ई इंटू वी, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, वही काइनेटिक में बदलना है,
चार्ज गन में यही होता था. ओके तो यहां से आप कम से कम वी फाइंड कर सकते हो, वी मिल जाएगा क्योंकि हमें वी मालूम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो ये वी मालूम है और मास तो मालूम ही होता है इलेक्ट्रॉन का. हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी, ये कितनी वेलोसिटी से हमने उस गन के जरिए इजेक्ट किया चार्ज को. ठीक, और फिर आप देखो यहां पे इसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी रख सकते हैं, दोनों फॉर्म है, यहीं से निकाला गया है. आप चाहे इधर से फाइंड कर लो वी को, चाहे इस तरफ से, तो ये दोनों फॉर्म रखी गई है ना वी निकालने के लिए. ओके अच्छा, और ये इक्वेशन अभी अभी आपने देखा लैम्डा फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं कि वेवलेंथ फाइंड करने के लिए वी को सब्स्टिट्यूशन देते हैं. तो वी का अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू देखें क्या होगा. तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, वी की जगह ये इसको पुट कर दो है ना. अब इसको पुट करेंगे तो इसमें क्या होता है फिर देखें कि इससे वो इलेक्ट्रॉन बीम का जो है वेवलेंथ निकलने लगेगा. अब इसमें कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो पहले से ही आप कैलकुलेट करके रख लो, फिक्स है, कांस्टेंट है ना, एच है जैसे मालूम होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, मास मालूम है, तो बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े इसके लिए मास मालूम है ये, तो इसे कैलकुलेट करके रख लेंगे तो एक फॉर्म ये आएगी. देखें ये तो अभी एक्सप्रेशन में है, एक्सप्रेशन में कैसे है, ये एम जो है एक अंदर ले आया ना, एम स्क्वायर होगा तो एक एम कैंसिल, तो ये तो एक्सप्रेशन वाला फॉर्म है. ये असल में ये फॉर्म इसलिए याद करना है आपको जिससे डिपेंडेंसी का पता चले कि वेवलेंथ जो है किन बातों पे डिपेंडेंट है, खासतौर से पोटेंशियल पे कैसे डिपेंडेंट है. ये तो फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, पोटेंशियल पे, पोटेंशियल बढ़ा दिया या घटा दिया तो वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसलिए. और साथ ही साथ आप देखो अगर कैलकुलेशन करना है इससे, वेवलेंथ वास्तव में कैलकुलेट करना है तो ये इतनी वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रख ली. देखा तो ये जो है ये कैलकुलेट करके रखेंगे तो ये जो वेवलेंथ आएगा वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में आएगा. होता ही है जनरली वेवलेंथ जो एंगस्ट्रॉम यूनिट में रखते हैं तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में आ गया, वी जो है वोल्टेज में होगा. तो अभी इस इक्वेशन से ये फायदा हो गया ना कि चार्ज गन का पोटेंशियल मालूम होगा, आप तुरंत यहां पोटेंशियल की वैल्यू रखो और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव क्रिएट होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम क्रिएट होगी, उसकी वेवलेंथ आप फाइंड कर लें. और एक एक्सप्रेशन आप इस फॉर्म में भी रख सकते हैं काइनेटिक के फॉर्म में, अगर वी का सब्स्टिट्यूशन आप इस फॉर्म में रख दो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा. यही है ये एक्सप्रेशन जो है, इसको अगर आप याद किए हो तो ई इंटू वी है क्या, के है, उसको रख दो तो ये सारे एक्सप्रेशन यूज होते हैं. न्यूमेरिकल जब आता है तो इस पर आप कर सकते हैं. सीबीएसई का क्वेश्चन है, देखा वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो 100 वोल्ट है ना, तो क्लियर इसमें तो साफ दिख रहा है आंसर इसमें है ना. तो इसमें आप देखें ये एक्सप्रेशन यूज करो और पोटेंशियल 100 वोल्ट दिया है तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया. ये 100 अंडर आ जाएगा, ये 1.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक कैलकुलेट हो गया. फॉर वॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, देखे ये उस एक्सप्रेशन पे आ गया काइनेटिक एनर्जी वाले पे है ना, विल द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ बी 16.5 नैनोमीटर है ना. मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास दिया, एच वैल्यू भी दिया है. अब देखें नैनोमीटर में है ये वेवलेंथ, अब इसमें आपको फाइंड करना है के, तो आप बनाओ पहले रिजल्ट उसका, तो ये वाला फॉर्मूला के वाला, तो इससे के निकालना है ना, तो आप इसे स्क्वायर करें, स्क्वायर कर दिया फिर के इस तरफ ले जाए लैम्डा स्क्वायर उधर, आप देखो एच स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम लैम्डा स्क्वायर हो गया. ठीक, अब इससे के आ जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन कर दें तो एच वैल्यू ये हो गई है ना, और मास भी दिया हुआ है प्रोटॉन का ये रख दिया, और ये ध्यान दें ये नैनोमीटर में है ना, तो नैनोमीटर को आप जो है मीटर में बदलेंगे. एमकेएस में चल रहा है काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है ना, तो मीटर में बदल दीजिएगा इसे, तो ये मीटर में बदला 10^-9 से मल्टीप्लाई करके, और इसे कैलकुलेट किया जाएगा ये कैलकुलेशन से जो भी आ रहा है इसमें. यस ये वैल्यू फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, रख लिया. व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात है, वही है इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है इसमें, टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ वेवलेंथ 0.41 एंगस्ट्रॉम. वेवलेंथ दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, फिर फॉर्मूले पे है क्वेश्चन, तो
तो यहीं से आ जाएगा ये इस बार आपकी बार पोटेंशियल आपको फाइंड करना। तो इसको ऐसे बना लें, वी उधर गया, लैम्डा इधर आ गया, स्क्वायर कर दिया सब्स्टिट्यूशन, तो लैम्डा इज 0.41। अच्छा ये जो बना है फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम पे ही बना है ना, एंगस्ट्रॉम यूनिट में था तो सीधे रख दिया है एंगस्ट्रॉम में, ये देख के इसे कन्वर्ट मत कर दीजिएगा मीटर में, मीटर में इतना आ रहा है वोल्ट ऐसा। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड टू 16 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू है ना, द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज, सब ये काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ पे है कंपैरिजन का है ना। तो क्या किया गया इसमें कि द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ पार्टिकल, और ये परसेंटेज चेंज दिया हुआ है। अब देख रहे हैं, अब इसमें क्वेश्चन में क्या किया एग्जामिनर ने, दो चीजें पूछ ली हैं बेसिकली देखा जाए। एक तो ये इक्वेशन यूज हो जाएगी, मैटर वेव की इक्वेशन इस्तेमाल होनी है, और दूसरी बात चूंकि परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज वेरिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी मालूम होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, ये देखें इंक्रीज टू 16 टाइम्स का मतलब है कि काफी हाई वेरिएशन है। याद है हाई वेरिएशन के लिए क्या सिखाया था हमने, एक्सप्रेशन बनाना, तो वो ध्यान रखिएगा। तो उसी पे वो दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं यहाँ। तो देखें ऐसे होगा, ये पहले तो इक्वेशन आप देख लो, तो लैम्डा और के में ये रिलेशनशिप तो बना लेते हैं, इसे प्रोपोर्शनलिटी में ही हुआ। फिर अब देखें, अब इसी से हम वेरिएशन का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। तो हाई परसेंटेज वेरिएशन के लिए ये रिजल्ट था, ये बनता है। स्मॉल परसेंटेज वेरिएशन में जो पावर थी वो नीचे उतर आती थी, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें ध्यान दें, इसमें अब ये लैम्डा है तो लैम्डा को लिखेंगे 1 plus delta lambda upon lambda, ऐसे लिख दिया हाई वेरिएशन के लिए। और ये k^-1/2 है, ऊपर जाएगा ना ये, तो हाफ तो है ही और माइनस हाफ, तो पावर वहीं रहती है हाई वेरिएशन में, ये पावर वहीं रहेगी। और ये के को आप ऐसे बना दो, हर फिजिकल क्वांटिटी जो वेरी कर रही है उसको आप इस तरीके से लिख देंगे, पावर को ही रहने देंगे, ऐसे बनाया जाता था, सीखा है आपने। अब इसी में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो हमें जो हमसे पूछा जा रहा है बेसिकली ये पूछा जा रहा है, और भी परसेंटेज वेरिएशन है जो पूछ रहे हैं। तो ये फ्रैक्शनल हुआ और हम इसे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में कितना हो रहा है, देखें इस इंक्रीज टू 16 टाइम्स, मतलब पहले अगर के था तो अब 16 के हो गया है, तो आपको यहाँ डिफरेंस रखना है। तो इनिशियल था के और फाइनल हो गया 16 के, और ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस का मतलब 16 के माइनस के 15 के, तो ऐसे देखें, ये देखें 16 के माइनस के, और फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें सॉल्व करते हैं। तो ये देखें ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया ना ये, और के कैंसिल हो गया तो 15 रह जाएगा, ये 1 plus 15 to the power minus half, तो वही लिखा जा रहे हैं। तो ये बढ़ेगा, ये 16 हो गया टू द पावर माइनस हाफ, तो अब ये सॉल्व कर लेते हैं इसमें। अब ये 1/√16 हो ही जाएगा, तो ये 1/4 हो गया, सॉल्व कर लो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, ये 1 उधर जाएगा है ना, तो -1 हो जाएगा। निगेटिव में आने का मतलब है कि वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी ना, तो इनवर्स सा रिलेशनशिप होता है उसमें, तो ये डिक्रीज होना है, तो ये माइनस इसीलिए आ रहा है, लेकिन परसेंटेज सही है, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो ये आ जाएगा 75%। उसमें वैल्यू पे आंसर है। एटीबीली का क्वेश्चन, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंजेस बाय ए फैक्टर, आसान सा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, वेरी सिंपल, ठीक है, तो बहुत आसान है। ये सब देखें इसी पे क्वेश्चंस जो है बन रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, इसमें कंपैरिजन है ये भी, तो वही बना लिया है, लैम्डा फाइनल अपॉन लैम्डा इनिशियल इज इक्वल टू के इनिशियल अपॉन के फाइनल अंडर रूट, इनवर्स है ना इसलिए। तो यहाँ पे अब ये रेशियो तो पूछ रहे हैं, तो फाइनल क्या हो गया था भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल्स, ठीक है, तो ये डबल हो गया, ये ठीक, तो रिलेशन ये आ गया 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, इस फैक्टर से ये चेंज होगा। जेई मेन का इस साल का क्वेश्चन,
अच्छा क्वेश्चन था ये, दो कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज कर लिए गए। देखें, अ पार्टिकल ए ऑफ मास एम एंड इनिशियल वेलोसिटी वी कोलाइड्स विद अ पार्टिकल बी ऑफ मास एम बाय टू विच इज एट रेस्ट। एक पार्टिकल एम मास का है, वी वेलोसिटी से चल रहा है, वो कोलाइड करता है एक दूसरे पार्टिकल से जिसका मास हाफ है, एम बाय टू है, और वो रेस्ट में है। फिर कह रहे हैं द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक, कोलिजन इलास्टिक और हेड ऑन है, तो द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंस लैम्डा ए टू लैम्डा बी आफ्टर कोलिजन इज, क्या मतलब हुआ भाई? देखें, अगर ये वेवलेंथ आपसे पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी का अंदाजा होना चाहिए पार्टिकल का बाद का, तो कोलिजन के बाद की उनकी वेलोसिटी पता चले, तो उस वेलोसिटी के जरिए हम ये वेवलेंथ का रेशियो फाइंड कर सकते हैं या काइनेटिक एनर्जी पता चले। लेकिन वेलोसिटी पता कैसे चलेगी कोलिजन के बाद की? उसके लिए आपको कोलिजन का केस सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पूरा केस है कोलिजन का, उसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कोलिजन के बाद जो स्थिति, दो अननोन होंगे, दो अननोन सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, उसमें दो इक्वेशन बनाओगे, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा करेक्ट न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। जब आप दोनों को सॉल्व करके जब वेलोसिटी आप फाइंड कर लेंगे तो उसी वेलोसिटी से आप वेवलेंथ को रिलेट कर लेंगे, फिर वो मैटर वेव के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो मैटर वेव और कोलिजन ये दोनों इस्तेमाल कर लिया गया। चलते हैं इसमें, देखते हैं कैसे क्या आता है। तो ये एक पार्टिकल एम मास का और दूसरा एम बाई टू, वेलोसिटी वी डिफाइंड है और ये वेलोसिटी जीरो है, ये रेस्ट पे था। और कोलिजन के बाद की स्थिति है कि एज्यूम कर लेते हैं एक वेलोसिटी वी वन एम की और दूसरी वी टू, ठीक। और चले इसमें पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करें तो एक इक्वेशन ये बनेगी। तो एम इंटू वी प्लस एम बाई टू इंटू जीरो, ये तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू एम वी वन प्लस एम बाई टू वी टू, ठीक है। एम सब में कैंसिल हो जाएगा और ये पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ट्वाइस वी हो जाएगा, ये ट्वाइस वी वन होगा और ये वी टू होगा। तो एक इक्वेशन ये बन के आएगी कि ये ट्वाइस वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू ट्वाइस वी, एक ये बना लें इक्वेशन। ये एक और चाहिए न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, है ना। तो दूसरी इक्वेशन बताएं क्या लिखें, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। तो फाइनल रिलेटिव क्या होगी, ओके वी टू माइनस वी वन, और इनिशियल क्या होगा, जीरो माइनस वी इज इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। ओके गुड, यहां पे ये रख दिया है। तो वी टू माइनस वी वन अपॉन जीरो माइनस वी इज इक्वल टू माइनस वन, और यहां से एक इक्वेशन और बन जाएगी। अब ये माइनस वी इधर जाएगा, माइनस ये भी है तो प्लस हो जाएगा, तो दो इक्वेशन ही होगी। इनको आप सॉल्व करते हैं, तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने में आप देखो क्या क्या है, दोनों ये डिडक्ट कर दिया इक्वेशन वन में से टू, तो वन में से टू डिडक्ट करेंगे तो वी टू कैंसिल हो जाएगा है ना, और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो थ्री वी वन और ये ट्वाइस वी माइनस वी वी, तो थ्री वी वन इज इक्वल टू वी, तो वी वन इज वी बाई थ्री, ठीक है। एक आ गया, और जब वी वन को आप इक्वेशन किसी इक्वेशन में टू में ही रख दें तो वी टू भी आ जाएगा। तो उसके लिए अब ये करते हैं, ये वी वन आ चुका है, इसको यहाँ रख देते हैं, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन टू तो v2 माइनस v बाई थ्री, वो रख दिया v1 वहां से, तो ये v2 आ गया। ओके इतना तो एक काम हुआ पूरा, मोमेंटम और न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मतलब कोलिजन पे पूरा। तो दो तो ये हो गया भाई, दो थ्योरी आनी चाहिए ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये हो गया न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ जिसको मालूम होगा। फिर उसके बाद अब वेव नेचर जो है वो मैटर वेव वाली बात हो गई। तो आप देखें, आप डी ब्रोगली इक्वेशन, तो ये इक्वेशन लिखें आप तुरंत, ये बेसिक इक्वेशन लिख लें, नहीं काइनेटिक एनर्जी वाली लिख सकते हैं, लेकिन आपको वेलोसिटी से कंपेयर करना है ना, तो वही है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, है ना। तो ये रख दिया, तो पी की जगह एम इंटू वी, वेलोसिटी लाना है ना, तो इससे रिलेशन ये बनेगा। तो लैम्डा का संबंध एम वी से ऐसे हो गया, और चूंकि मास दोनों लिखेंगे ना, मास भी वेरी कर रहा है ना, दोनों का मास अलग अलग है ना पार्टिकल का, वेलोसिटी भी डिफरेंट है, तो रेशियो कैसे होगा, तो लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू इज एम टू अपॉन एम वन एंड वी टू अपॉन वी वन, इनवर्स है ना, इसलिए अब सब्स्टिट्यूशन कर दो आ जाएगा। तो एम टू एम बाई टू है, एम वन एम है, और अभी वी टू हम लोगों ने ये फोर वी बाई थ्री निकाला है और वी वन वी बाई थ्री, ये रखें तब आंसर आएगा टू अपॉन वन।
नीट का लास्ट टाइम का क्वेश्चन देखें, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड अ फोटोन हैव सेम एनर्जी. इलेक्ट्रॉन और फोटोन को कंपेयर कर लिया है, कहना है कि दोनों के पास सेम एनर्जी है. द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज. तो फोटोन का तो जहां तक सवाल है, फोटोन तो रहता ही है वेव नेचर में आमतौर पर, तो उससे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो उसकी वेवलेंथ एच न्यू से फोटोन की. लेकिन इलेक्ट्रॉन का अगर वेवलेंथ निकालना है तो इक्वेशन जो है अभी मैटर वेव वाली, उससे आप फाइंड कर लो, दोनों कंपेयर कर लो. बस ये है कि एनर्जी दोनों का सेम रखना होगा. ये तो कह रहे हैं ना दोनों की एनर्जी सेम है, तो देखें कैसे अप्रोच होगा ये. तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये वेवलेंथ, ये रिलेशन लिखा गया. तो यहां से इलेक्ट्रॉन के लिए जब लिख रहे हैं तो ये एनर्जी जो ई दी हुई है ये रख दिया के की जगह ई, तो इससे रिलेट हो गया इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ. और दूसरा देखें फोटोन के लिए, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो ऐसे ई इज इक्वल टू एच न्यू, है ना. और न्यू को अब इससे जो है अब ये फ्रीक्वेंसी को आप सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं ना, ये रख दिया. और ये फोटोन का ये हो गया, अब इससे लेमडा पी ये हो जाएगा एस सी अपॉन ई, यहां से लिख लिया. अब इन दोनों को कंपेयर कर लिया, रेशियो कर लो, कंपेरिजन ही तो है, तो चलते हैं इसमें. ये दोनों आ गए इक्वेशन, तो यहां से 1/2 डिवाइड कर दिया गया. अब ये देखें ये दोनों डिवाइड किया, एक्सप्रेशन को डिवाइड करो और सॉल्व कर लो इसे. एस तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ई अंडरवुड में है, ये ई ऊपर जाएगा, तो वैसे ये इनवर्स हो गया ना एस, तो एक ये कैंसिल करें यहाँ. तो 1/c अलग किया गया, एच कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा. ठीक है, ई ऊपर जाके ये होगा ना डिवाइड होगा, तो अंडरवुड ई हो जाएगा ये एक्सप्रेशन. देखिए कभी भी कोई थ्योरी जब प्रूफ की जाती है तो उसमें दो बातें होती हैं, एक तो उसको मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करना, और एक होता है फिर प्रैक्टिकली प्रूफ करना, तब जाके वो थ्योरी कंप्लीट पास की जाती है, माना जाता है. तो ये डी ब्रोगली वेव इक्वेशन जो है, अभी मैथमेटिकल एस्पेक्ट आपने देख लिया कि मैथमेटिकली हम कैसे वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं. तो डी ब्रोगली ने इक्वेशन दे दी मैटर वेव की. अब उसमें एक मैटर को जब वेव में फॉर्म करते हैं या कन्वर्ट होता हुआ देखते हैं तो उसकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसका वेरिफिकेशन ना हो जाए प्रैक्टिकल तरीके से कि क्या वास्तव में जो डी ब्रोगली ने जो है वेवलेंथ दी है क्या प्रैक्टिकली ऐसा आता है, तब जाके थ्योरी जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी. ठीक, तो उस पर प्रैक्टिकल वर्क जो हुआ उसे प्रूफ करने के लिए वो दिखाया जा रहा है आपको यहाँ पे. उस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कुछ, वो आप देख लो. तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आप डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, तो उस पर वेरिफिकेशन किसने किया, तो ये साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने क्लिंटन एंड लेस्टर, इन्होंने जो है ये इस पर वर्क किया. तो वही कह रहे हैं कि डी ब्रोगली थ्योरी अबाउट द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स बाई फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट क्या था देखें, इसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ ऐसे हैं. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहले तो इलेक्ट्रॉन बीम क्रिएट करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन बीम क्रिएट करेंगे और फिर उस बीम का वेवलेंथ प्रैक्टिकल तरीके से फाइंड करेंगे. तो उसमें ये देखें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन है, ये देख रहे हैं ये पोटेंशियल क्रिएट किया गया है. यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें पोटेंशियल ये क्रिएट किया गया है, वो हाई पोटेंशियल क्रिएट करेंगे जो भी है. और यहाँ से फिर वो जो बीम इजेक्ट होगी, वो बीम ये देखें ये लिखा हुआ है 54 वोल्ट बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, काफ़ी वोल्टेज है, हल्का होता है ना पार्टिकल, इसलिए. अब ये बीम ऐसे जा रही, इंसिडेंट बीम है, इसे क्या करते हैं, ये क्रिस्टल है, निकल का क्रिस्टल है, तो ये क्रिस्टल पे गिराते हैं इसे बीम को. तो क्रिस्टल पे गिरने से क्या होता है कि ये जो प्लेन्स हैं क्रिस्टल के, है ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें जो क्रिस्टल के प्लेन बनते हैं इस पर गिर के ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है रिफ्लेक्ट होती है. तो रिफ्लेक्शन जब होता है तो जो रिफ्लेक्टेड बीम मिलेगी वो कई मिलती है भाई, एक नहीं. मान ले जैसे ये पहले प्लेन ये एक रिफ्लेक्शन हुआ, फिर दूसरे प्लेन से हुआ रिफ्लेक्शन, तो जो रिफ्लेक्शन के बाद जो मल्टीपल बीम्स मिलेंगी उनमें आपस में इंटरफेरेंस हो जाता है. तो इंटरफेरेंस होता है तो यहाँ डिटेक्ट करते हैं उसे, तो एक डिटेक्टर होगा यहाँ पे जिसके जरिए इसे देखेंगे, या फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है
जिस पे इलेक्ट्रॉन जब गिरते हैं तो फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं, चमक पैदा करते हैं, तो उससे पता चलता है। तो उसमें ये देखा गया डिटेक्ट करने में कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो बीम गिर रही थी उसमें कहीं पे बहुत ब्राइटनेस हो गई थी, मतलब काफी ज्यादा, और कहीं पे डार्कनेस हो गई। तो वही है, अगर ब्राइटनेस डार्कनेस हो गया तो इसका मतलब है कि वो डिफ्रेक्शन या इंटरफेरेंस फिनोमिना होने लगा वहां पे। तो ये कब होगा? ये तभी तो हो सकता है जब ये जो बीम है वो वेव की तरह बिहेव करे, नहीं तो होता ही नहीं इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन फिनोमिना। तो यहाँ पे होगा मैक्सिमम मिनिमम मिलने लगता है, कहीं इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी फ्लोरेसेंट की, फ्लोरेसेंस जो हो रहा होगा कहीं पे वो बिल्कुल खत्म होने लगेगा। तो ये डिटेक्टर होता है, ऐसे घूमता है, यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे, ठीक। अच्छा, अब ये देखें कुछ एंगल्स ये डिफाइन किए गए हैं, इसे ध्यान से देखें। इसमें ये 50 डिग्री है इनके बीच का एंगल, अगर ये टोटल 180 हो, है ना, तो ये ग्लांसिंग एंगल है ये, इस पे, ये इस प्लेन पे, तो ये 65 65, ये देखें कितना हो गया, 130 हो गया ना, और 50 180 हो गया। तो ये असल में इस एंगल का यूज है अभी, है ना, इसी एंगल पे असल में पार्ट डिफरेंस निकालना होगा ना हमें, क्योंकि इंटरफेरेंस का फिनोमिना है। आप जानते हैं इंटरफेरेंस फिनोमिना में अगर पार्ट डिफरेंस मालूम हो जाए डिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस में, तो हम उसके जरिए वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो उस फिनोमिना से वो, ये जो अभी हम लोगों ने ऑप्टिक्स में पढ़ा या वेव ऑप्टिक्स में जो भी पढ़ा हम लोगों ने, उसमें जो कॉन्सेप्ट सीखा था ना उसका यूज है। तो उसके जरिए भी वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं, फिर वो वेवलेंथ जो निकालेंगे, है ना, उसको हम मैच करवाएंगे किससे, जो इक्वेशन से आई थी वेवलेंथ, अगर वो दोनों जो है एक दूसरे को मतलब वो सपोर्ट कर देते हैं वैल्यू में, तो फिर वो प्रूफ हो जाएगा कि वो थ्योरी सही है, यही चीज है। तो उसमें ये होगा कि ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है वही लिखा हुआ है कि क्या ये अरेंजमेंट था, वो बात थ्योरी लिख के आ रही है यहाँ पे, कोई बात नहीं है इसमें। एक चीज और देखें यहाँ पे, ये जो प्लेन्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस डी, ये भी डिफाइंड होती है, इसी से तो हम लोग पार्ट डिफरेंस पता कर सकते हैं। वो जो प्लेन्स और क्रिस्टल का प्लेन होगा ना, उसके बीच की डिस्टेंस डिफाइंड होती है। अब होता क्या है कि जब हम लोग ये फिनोमिना लेते हैं, आप देखें ये जब ये फिनोमिना हो रहा होता है तो उसमें डिफरेंट पोजीशन पे जब हम लोग डिटेक्ट करना शुरू करते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम ऐसे मिलना शुरू होता है, तो उसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है। अब ग्राफ जो प्लॉट किया जाता है, ये जैसे एंगुलर पोजीशन हो गई, ये एंगल हो गया ना, ये वर्टिकल से एंगल, ये एंगल और जो इंटेंसिटी होगी उस पर ग्राफ, तो उसमें डिफरेंट पोटेंशियल लगा लगा के जो ग्राफ क्रिएट किए गए हैं उसको जरा ध्यान से आप देखें। ये देखें, ये कई ग्राफ है। तो अभी जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो 54 वोल्ट पे है, इसमें जो है सबसे ज्यादा शार्पनेस मिलती है मैक्सिमा की, तो जिसमें शार्पनेस सबसे अच्छी होगी उसको इसलिए यूज करेंगे क्योंकि उसको मेजर करने में एक्यूरेसी होगी। तो उसमें ये मेजर किया गया कि ये 50, यहां से जब ये ड्रॉ किया गया तो 50 डिग्री पे मिला, ये शार्पनेस मिली, बाकी में भी है, इसमें तो बहुत कम हो गई है, खत्म ही हो गया लगभग, इसमें थोड़ा सा मिल रहा है। तो सबसे अच्छा बेहतर जो रिजल्ट मिल रहा है शार्पनेस वाला ये वाला है, तो 54 वोल्ट पे इस एक्सपेरिमेंट को रखा गया। तो इसलिए ग्राफ दिखाया जा रहा है ना, कभी पूछ लेते हैं ग्राफ कि ऐसे ग्राफ बना देगा एग्जामिनर, है ना, ऑप्शंस में क्या कि इसमें कौन सा ग्राफ जो है यूज हुआ, वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए, आप पहचानो ये 54 वोल्ट वाला, ठीक है। अच्छा, तो ये किस पे मिला था, ये किस एंगल पे, यहां से ग्लांसिंग एंगल क्या था, 65 डिग्री, है ना, 50 डिग्री वाला यूज कर रहे हैं तो ग्लांसिंग एंगल 65 डिग्री था, है ना, वही बात लिखी हुई यहाँ। थोड़ा सा और देखें इसमें कि बेसिकली जो जो डिफ्रेक्शन का या इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना हो रहा था उसमें है क्या, कैसे पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा। तो देखें क्या हुआ कि ये लाइट जो बीम आ रही है ना, बीम बीम, ये इलेक्ट्रॉन बीम, लाइट नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है वो ये देखें पहले वाले जैसे ये जो प्लेन है इससे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, फिर एक पार्ट बीम का जो है ये दूसरे वाले प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप देखो इन दोनों बीम में ये पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये इतना पार्ट डिफरेंस है, इसको कैलकुलेट कर लिया गया और कैलकुलेट करके इसी से वो मिनिमम मैक्सिमम की जो इक्वेशन है उसका यूज कर लिया गया। तो उसमें आप जानते हो पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा के मल्टीपल में होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो उसी बात को दिमाग में रखते हुए यहाँ पे वो थ्योरी डेवलप की गई है, वो ये है। अच्छा, इसमें जो है एक चीज और लिखा हुआ है यहाँ पे, द स्पेसिंग डी बिटवीन दिस प्लेन्स व्हेन मेजर्ड बाय एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक कम्स आउट टू 0.91 एंगस्ट्रॉम। ये जो इन प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एक्सरे के जरिए नापी जाती है। ये टेक्निक जो होती है, ये प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालना, ये हम लोग एक्सरे में पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट है ना,
वो एक्सरे में हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी एक्सरे के जरिए ये दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेटेड है, कितना 0.91 एंगस्ट्रॉम, ये लेके चलना है। अकॉर्डिंग टू ब्रेक्स लॉ फॉर मैक्सिमा, ब्रेक्स लॉ यही है वो, इस टेक्निक से ये डिफाइंड करना। तो उन्होंने, ब्रेग ने जो है वेवलेंथ को और ये जो डी है इसको रिलेट करके एक रिजल्ट दिया, वो ये था ट्वाइस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये मैक्सिमम के लिए है। ये असल में क्या है, ये पार्ट डिफरेंस है, यहां पे ये पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया गया और ये पार्ट डिफरेंस एन इंटू लैम्डा के बराबर। तो ये ब्रेक टेक्निक है जो एक्सरे में पढ़ा जाएगा, उसको यूज किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। जब इतना यूज हो गया तो अब इसमें वैल्यू रख दिया जाए, तो वैल्यू कैसे रखें, तो एन तो 1, 2, 3 चल रहा है, तो इसमें एन 1 के लिए होगा, ये पहला मैक्सिमा था तो उसके लिए, तो अब यहाँ पे देखें वैल्यू रखा गया है, तो डी वैल्यू नोन है 0.91 एंगस्ट्रॉम, और वो एंगल जो है जो थीटा था, ये थीटा ग्लांसिंग एंगल यूज किया जा रहा है इसमें पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए, तो वो थीटा जो है 65 डिग्री हो गया इज इक्वल टू लैम्डा, है ना, वो पहला मैक्सिमम जो है उसके लिए। अब इससे वेवलेंथ जब कैलकुलेट की गई तो ये वैल्यू इतनी आई, ये वैल्यू आ रही है 1.67 एंगस्ट्रॉम, ठीक, ओके। ये हो गया वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन बीम का किससे, एक्सपेरिमेंट से। अब एक काम और करना है, अब इसी इलेक्ट्रॉन बीम का पोटेंशियल कितना था, 54 वोल्ट पे चल रहा था ना ये, है ना, हम लोग किससे, मैटर वेव इक्वेशन से, जो डी ब्रोगली की इक्वेशन है उससे भी फाइंड करेंगे। अगर उससे वेवलेंथ जो आ रही है और ये अगर समान हो गई, मतलब इक्वल हो गई, तो वेरिफिकेशन हो गया ये चीज, ठीक। तो चलें, ये तो 1.67 एंगस्ट्रॉम है, और फिर आती है बात यहाँ पे कि नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, है ना, उसको यूज करेंगे तो देखें ये पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट पे ये काम हुआ था, है ना, तो ये लिख लें आप, यहाँ 54 रखेंगे, तो जब ये 54 रख के कैलकुलेट किया गया तो ये भी 1.67 एंगस्ट्रॉम आता है, तो इसका मतलब थ्योरी करेक्ट थी वो। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताया इसलिए जा रहा है ना, क्योंकि पूछ लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं तो उसे पूछा जाता है, इसलिए आप पढ़ लेना इसे, ठीक। तो दस द टू रिजल्ट्स ऑब्टेंड आर इन रिमार्केबल एग्रीमेंट, ठीक है, विद ईच अदर, ओके। तो ये कि इसमें ये कहा जा रहा है कि ये थ्योरी जो है वो करेक्ट है।